कैसे हो आप लोग। तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एसेसरीज पर और आज आपके सामने फिर से थार की दुनिया। और यहाँ मेरे साथ है मनीष भाई, कैसे हो? बढ़िया। नाम नहीं बोलता मैं तो आज हम क्या क्या कर रहे हैं इन गाड़ियों के अंदर? मतलब सारा ओवरऑल काम ही है, जैसे इस गाड़ी में भी सारा काम है। अच्छा, इसमें भी है, जैसे सीट कवर लग रहा है आपका, हाफ इंटीरियर हो रहा है इस वाली गाड़ी में। अच्छा, इस वाली गाड़ी में भी सीट कवर है, रूफ है, हेडलाइट है। ठीक है, इस वाली गाड़ी में ये सेम सेटअप है, इसमें हेडलाइट नहीं है, इसमें एलईडी है, हेडलाइट में एलईडी है, बैकलाइट है भैया, इस गाड़ी में बैकलाइट है, इस गाड़ी में बैकलाइट है। ठीक है, मतलब सभी में काम चल रहा है। वो भी अपने पास है, उसमें तो अलॉय व्हील भी लग रहे हैं बढ़िया वाले। उसमें क्या क्या हो रहा है? उसमें भी हेडलाइट मेन बेसिक बाहर का ही हो रहा है, हेडलाइट, टेल लाइट, फॉग लाइट, प्रोजेक्टर, यही सब कुछ हो रहा है अभी। और एक में हाफ एंट्री बता रहे हो आप, ये आज हो जाएगा अभी हाफ एंट्री? आज कंप्लीट कर देंगे हम। तो भाई एक एक करके आपको ना फ्रंट साइड से दिखा दूंगा गाड़ियाँ। ये कुछ है इसका फ्रंट लुक इन सभी गाड़ियों का, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये 9786 की, तो उसके अंदर क्या क्या लगा रहे हैं भैया? ये इस गाड़ी में लगा रहे हैं हेडलैम्प एलईडी, फॉग लैम्प एलईडी, रूफ बना रहे हैं भैया, आर्मरेस्ट लग रहा है, सीट कवर लग रहा है, इंटीरियर का काम है, उसके अलावा एंबियंस लाइटिंग, उस वाली गाड़ी में भैया हेडलाइट लग रही है, फॉग लैम्प में एलईडी लग रही है, ठीक है, बैक लाइट लगनी है, इंटीरियर का काम है, ठीक है, उस वाली गाड़ी में भी सारा डैंगल वाली हेडलाइट है, ठीक है, लाइट है, ठीक है, बंपर है किसी में भैया? इन सब में बंपर है भैया, उस गाड़ी में लगना है शायद, ठीक है। तो भाई ये सब गाड़ियों में काम चल रहा है, सब में किसी में इंटीरियर है, किसी में इसमें ग्रिल भी लगी है भैया? लाइट वाली ग्रिल लगी है। अच्छा अच्छा, ताकि उसकी हाँ उसमें दिक्कत आती है, ये दिक्कत है सबको नहीं पता, तो आपको बताया था 4x2 में भैया क्या इशू आता है, अगर हम बंद वाली मैच वाली ग्रिल लगाते तो गाड़ी जो है पिकअप ज्यादा नहीं ले पाती है, हीट होने के बाद दिक्कत आती है। तो भाई इसीलिए हम ये वाली ग्रिल प्रेफर करते हैं, ये एक नंबर चलती है इस गाड़ी पे ना, इसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना 4x2, चाहे जहाँ पर भी आप काम करा रहे हो ये वाली ग्रिल ही लगवाना है ना 4x2 के लिए, 4x4 में कुछ भी लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाली गाड़ी के अंदर अभी हम छत भी लगा रहे हैं, और भी कुछ काम भाई इंटीरियर के अंदर? इसमें ये भी लगेगा, तो यहाँ पे कपड़ा यही वाला डलेगा सेम? तो आगे वाली छत लगा दिया भाई ने, पीछे वाली छत लगा रहे हैं। पहले देखो ये वाला फॉर्म लगाते हैं, मैं हर बार फॉर्म आपको दिखाता नहीं था, सिर्फ दबा के दिखाता था, तो कुछ ये फॉर्म है जो हम लगाते हैं इसके अंदर, प्रॉपर फॉर्म लगाने के बाद ये कपड़ा चढ़ाया जाता है, ताकि आपकी गाड़ी में सर भी लगता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। नहीं, थार में जगह ही इतनी कम है कि भाई साहब जब गाड़ी उछलती है तो सर पहले लगता है, वो भी बच जाएगा और काफी अच्छा भी लगता है लगने के बाद। देख रहे हो क्या फील आ रही है वहाँ पे, एक नंबर कपड़ा लगने के बाद गाड़ी का इंटीरियर बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। बाकी भाई बता रहे हैं कि साइड में भी लगेगा, और भाई स्टीयरिंग कवर इसका वो भी लगेगा। चलो भाई, मतलब गाड़ी अच्छी लगेगी अली। भाई अपनी दूसरी वाली थार, इसके अंदर भी सारी सीटें भी हटी हुई है, मतलब सीटों में चढ़ रहे होंगे सीट कवर, और यहाँ पर देखो इसका भी टॉप पे कपड़ा चढ़ रहा है, इसमें भी सेम सिचुएशन है, उसमें कलर दूसरा है बस, टैन कलर समथिंग कुछ ऐसा है। और यहाँ पर भी पीछे की साइड में लगाएंगे अभी बढ़िया करके, यहाँ भी फॉर्म लगा दिया सभी गाड़ियों में, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा फॉर्म, तो ये सभी गाड़ियों में फॉर्म वगैरह लगाने के बाद ही कपड़ा चढ़ाया जाता है, उसके बाद ये कुछ फीलिंग आती है गाड़ी की। भाई फाइनली रेडी हो चुकी है गाड़ी, भाई एक अपनी रेडी हो गई है, बाकी तीनों में अभी भी काम चल ही रहा है, और अप्रॉक्स ये भी रेडी है। एक एक करके आपको सारी गाड़ी दिखा देता हूँ, पहले बात करते हैं इस वाली गाड़ी की जो है कि यहाँ पे खड़ी हुई थी, इसमें क्या क्या लगा भैया? भैया इस वाली गाड़ी में ना रेंगलर वाली हेडलाइट लगाई है हमने, ठीक है, रेंगलर वाली हेडलाइट हो गई, रेंगलर वाली ग्रिल लगाई है, ठीक है, कर्व वाला जो हम लगा, ठीक है, फॉगलैम्प वाले प्रोजेक्टर लगाए, फॉगलैम्प में कौन से प्रोजेक्टर लगाए हमने? इसमें भैया आईपीएस का प्रोजेक्टर, आईपीएस के लगाए हैं, बाकी सब में अलग अलग लगे हुए हैं ना, किसी में एलईडी है, किसी में प्रोजेक्टर है, वो Q8 वाला लगाते हैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, उसकी तो रिस्पॉन्स ही बहुत आर पार का है, ठीक है। फ्रंट साइड में यही था, UFO लाइट है, एक बार इसे ऑन करवा देते हैं ताकि आपको ना सारे फीचर्स वगैरह देख लो, क्योंकि जो अपने पास ये रेंगलर वाली हेडलाइट होती है ये ओरिजिनल होती है, ये ब्लू करके वाइट होगी, और दूसरी इसकी क्वालिटी देख लो आप, ठीक है, क्वालिटी इसकी A1 होती है। ब्राइटनेस के मामले में बात करें तो ठीक होता है ब्राइटनेस, इतना ज़्यादा लो नहीं होता लेकिन ठीक होता, बढ़िया होता, जिस तरह की इसकी शो है ना उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया होता। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ब्लू होके देन ये वाइट हो जाएगी, और आपकी जो हेडलाइट है ना वो भी प्रॉपर चलेगी। रिस्पांस की बात करूँ, फॉग लाइट में IPH विद LED के साथ डाला हुआ है, ये कुछ रिस्पांस है इसका अभी फिलहाल। और बाकी अगर रोड की बात करूँ तो बारिश का टाइम है, रोड गीला पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी ये देख लो कितना ज़्यादा रिस्पांस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अपनी गाड़ी भी पूरी चमक रही है, मतलब बढ़िया तरीके से ना। और इसी में अगर हम Q8 Pro डाल देते हैं, और बहुत पावरफुल है ना, इससे और ज़्यादा रिस्पांस आ जाएगा। अगर बात करूँ तो ये अपनी वाली गाड़ी में दिख रहा होगा वो Q8 Pro ही है ना, उसमें भी तो भाई मैं वहाँ लद्दाख चला गया, स्पीति चला गया, मुझे रोड पर एक एक चीज़ नज़र आ रही थी, हेडलाइट भी जलाने की जरूरत नहीं थी अगर मैंने वो फॉग लाइट डाली थी जो मैंने प्रोजेक्टर जो डाला है। और क्या क्या लगा भैया? UFO लाइट हो गई, UFO लाइट लगाई है भैया, इस गाड़ी में बैक लाइट भी लगा है, रिफ्लेक्टर भी लगा है, ठीक है। तो एक बार इसका बैक लाइट और रिफ्लेक्टर भी देख लेते हैं भाई, एक बार लाइट बंद करके ना दोबारा से चालू करना इसकी। यहाँ पर अपनी वही है ना एक्स वाली है, वाइल्ड वाली जो हम लगाते हैं ना, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स में चालू होती है, आप लोगों को पता ही है, मैं काफ़ी बार ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको।
और इसके अंदर सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। रिफ्लेक्टर भी आपको जो रिवर्स वाला ऑप्शन होता है वही मिलता है, ब्रेकिंग वाले पे ये दोनों जल जाते हैं, रिवर्स वाले पे यहाँ पे जलता है, और इंडिकेटर पे कहाँ पे होता है भैया उसमें? इंडिकेटर भी है। अच्छा ये वाला जलता है इंडिकेटर पे, ब्रेक पे ये हाई होती होगी है ना, ब्रेक पे हाई हो जाती है, बाकी ये तीन लाइट भी जलती है इसमें। सेम इसी तरीके एक और लाइट आती है जिसके अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता और ये पूरा शीशे में बंद होता है, बट यहाँ पर ना वो पुराना वाला है ना, ओल्ड डिजाइन बोलते हैं। दोनों है एक्स जैसी लेकिन थोड़ा सा हल्का सा फर्क है दोनों में, और नीचे इसके रिफ्लेक्टर भी ना इससे मिलते जुलते आते हैं, थोड़ा इसी की तरह की देख लो एक्स डिजाइन में है वो भी। अगर आप ये टेल लाइट लगवा रहे हो तो ये लगवा लो, बाकी ऑप्शन आपके पास काफी सारे मिल जाते हैं। और क्या लगा भैया? प्रॉपर वाली थार की एमबी लाइट लगी, एसी वेंट की लगा। तो ये कुछ प्रॉपर होती है, कई लोगों को पता नहीं है कि ये किस कंपनी की होती है। वैसे भैया किस कंपनी की है? कार्डी है ना, कार्डी की K4 भी आती है जो हम लोग 6 पीस लगाते हैं, वो भी कार्डी की है, और ये भी कार्डी की है। इसमें कितने भी पीस लगवा लो, डोर पर ऑप्शन नहीं होता इसमें, देखो जो डैशबोर्ड पे भी लगता है वो खाली एक ही पीस लगता है। अच्छा, और जो राइट साइड में पीस नहीं लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके गेट में एक ऑप्शन आया था, डैशबोर्ड में आ जाता है, यहाँ पर एक आपका थार आया था, बट यहाँ पर नहीं आ पाता ना, पीछे नहीं आता, पैरों में भी आ जाएगा। और एसी वेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका एसी वेंट लग गया प्रॉपर वाला। इसमें भैया एयर फ्लो की बात एक बार बता दो आप, फर्क आता है थोड़ा बहुत, और जो पुराना वाला था उससे? वो देखो पुराने नए में खाली फिटिंग का फर्क है, हाँ जी, बाकी फ्लो में दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, पीछे साइज सेम होता है। आपका क्या मानना है कि फ्लो में दिक्कत होती है थोड़ी सी, है ना? तो शौकीन बंदा लगाया। अगर बात करें एसी, अगर हम जब चलाते हैं गर्मी में तो एसी पे इफेक्ट पड़ेगा कुछ, या ठंडी करेगी गाड़ी? 19-20 का फर्क आता है। तो बहुत लोगों के फोन आ रहे जो हमने पहले भी लगाए हुए हैं, ठंड में जो लगा दिए है, ठीक है, दिक्कत आ रही है, और दिक्कत है भी उसमें ना, ठीक, डैशबोर्ड ठंडा हो जाता है भैया उससे ना। अच्छा, ओरिजिनल होता है उसमें नहीं होता, नहीं होता है, तो ठीक है, इसमें हो सकता है कि एयर फ्लो जो इसका प्रॉपर ना आ पा रहा हो। तो जो है वो आपको ना ओरिजिनलिटी जितनी भी है ना हम आपको बता देंगे कि इससे ये दिक्कत है, इससे ये भी इश्यूज है, जो भी चीज है वो आपको दिखा देंगे, लेकिन इतना ज्यादा मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी बैठा हूँ गाड़ी में, मैंने मुझे इतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपको बता के चलते हैं, क्योंकि शौक के ना ना तो पैसे होते हैं और ना ही कोई मतलब होता है, ठीक है, शौक आप जितना मर्जी कर लो। और क्या लगा भी इसके अंदर? और भी इस गाड़ी में इंटीरियर में तो यही था, इसमें जो जो ये कितने पीस वाली है, 11 पीस, मतलब इसमें वाटर वोटर में भी आएगा, ठीक है, हाँ जी, 4 पैरों में 8, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा ये 9, ठीक है, और पीछे भी आएगी ना पैरों में, पीछे पैरों में आएगी, ठीक है। तो ये कुछ था, और बाकी इंटीरियर में बाकी इसमें और कुछ नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इसके अलावा अभी जो हमारे पास और गाड़ियां खड़ी हुई है ना, जैसे ये इंटीरियर का भी काम है, और ये पीछे हमने स्टेपनी कवर इसके अंदर, अच्छा, इसमें स्टेपनी कवर भी लगा हुआ है, तो मतलब सब में ना कुछ सबका टोटल करके कुछ ना कुछ ऐड होते ही चले जाएगा ना। तो भाई आगे देखते रहो, अभी आपको ना तहलका दिखाते रहूंगा। भाई ये वाली गाड़ी है, ये भी रेडी हो चुकी है अपनी, ठीक है, ये अपनी दिल्ली गाड़ी थी, और ये 4x2 है, और एक वो वाली 4x2 है, ये हम बताते नहीं आजकल, 4x2 वाला आजकल पता ही नहीं चलता कौन सी 4x4 कौन सी 4x2 है। सही बात है, लेकिन इसके अंदर हमने जो ग्रिल लगाई थी ना, ग्रिल हमने ये वाली सीधी सीधी वाली इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें एयर की दिक्कत नहीं होती फिर ना, और अगर हम इसके अलावा कोई दूसरी लगाते हैं तो एयर की दिक्कत आती है। उसके अलावा हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है किंग कॉन्ग वाली हेडलाइट, है ना, एक इसके अंदर भी दूसरी आती है वो इंडिकेटर वाली, किंग कॉन्ग प्लस बोलते हैं उसको, तो उसका इसका रिस्पॉन्स में भैया सेम रिस्पॉन्स है, सब कुछ सेम है, खाली इंडिकेटर का फर्क होता है, पैसा भी बहुत ज्यादा है, पैसा भी बहुत ज्यादा है, इसके मुकाबले मेरे को वर्थ नहीं लगती वो लाइट, या तो आपको शौक है तो फिर सीधा रैंगलर लगवा लो, है ना, अगर वो चीज है तो शो भी उसकी बहुत अच्छी है, ये व्हाइट में अच्छी लगती है, काफी अच्छा थ्रो भी है और बढ़िया चीज है, मतलब कम पैसों में अगर बढ़िया चीज चाहिए आपको तो ये लगवा लो, कहने के लिए कम है लेकिन पैसा बहुत है इसका भी, ठीक है। हेडलाइट के मामले में बात करते हैं ग्रिल की, तो ये लाइट वाली ग्रिल है अपनी, ठीक है, लाइट वाली ग्रिल हमारे पास 2-3 तरीके की होती है ना भैया, तीन तरीके की लाइट वाली ग्रिल होती है, 4x4 है तो आप कोई भी ग्रिल लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4x2 है तो हाँ, या फिर इसमें रैंगलर भी लग जाती है, रैंगलर तो लगी जाएगी वैसी वाली, तो वो 4x2 उसमें रैंगलर लगी हुई है, इसमें ऐसी है। फॉग लाइट के अंदर हमने भैया कितने वॉट की एलईडी डाली है? 140 वॉट की, 140 वॉट की इसके अंदर हमने एलईडी इंस्टॉल कर दी है, जिसका रिस्पांस मैं अभी आपको रोड पे चेकआउट करा दूंगा। और आप कह रहे थे कुछ कि किंग कॉन्ग के साथ में अगर एलईडी डाल देंगे तो बढ़िया रिस्पांस रहेगा, और ऊपर हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया यूएफओ लाइट इसके अंदर, सब में भी आजकल यूएफओ ही लग रही है, मेरे को लग रहा है लग रही है और अच्छी भी लगती है, और 1 ईयर वारंटी भी देते हैं। अच्छा, 1 ईयर की वारंटी भी है, पहले इसके बाद वारंटी नहीं थी मेरे ख्याल से ना, अब इसमें वारंटी भी आ गई, हमने जितने भी लगाए कुछ खराब होते हैं चेंज करके देना ही पड़ता है, सही बात है, हाँ ये भी है, क्योंकि लोग मानते नहीं है और हमें अपनी गुडविल खराब नहीं करनी, तो वो हम करके दे ही देते हैं ना। और साइड प्रोफाइल में भी कुछ लगा है यहाँ पे, अच्छा ये वाली, तो भाई जिसको ये चीज चाहिए होती है, हमारे भाई है ना वो नोएडा से जो भाई आते हैं वो स्पेशल इसको लगवाने आए थे ना, तो सबको सबका अलग अलग फील होता है कि भाई अपने को ये चाहिए, कईयों को ये चाहिए होता है, कईयों को नहीं चाहिए होता, मुझे प्लेन अच्छी लगती है, लेकिन आपके डिपेंड करता है, हर बंदे की अलग अलग चॉइस होती है ना। हाँ, और अगर बात करते हैं ये भी लगाया ना अभी हमने,
पहले से लगवा है, लेकिन ये भी अपने पास अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो लगवाना तो मिल जाएगा। बाकी ये देखो भाई, ये कुछ इस गाड़ी का इंटीरियर है। गेट में हमने वही जो अभी मैंने आपको लास्ट गाड़ी में दिखाई, जो पहली वाली गाड़ी दिखाई, सेम वही सेटअप है इसके। इमेंट लाइट का बॉटल होल्डर में मिल जाएगी आपको। ये वाली K4 है, रनिंग में काम करेगी। ये भी लगाया और वो भी लगाया। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा K4 है। ये K4 है, वो भी तो K4 ही थी, वो रनिंग में थी ना। ये भी रनिंग में, वो भी रनिंग में। K3 में भी आती है, बट हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें थोड़ा सा इश्यू आता है। K4 लगवा लो, बेस्ट है ना। और बाकी बात करते हैं भाई, मैट देख लो। के हम हमेशा GFX डालते हैं, तो GFX की टक्कर में एक और है कोजो, सेम है भैया कोजो। हाँ, कोजो और GFX दोनों सेम है। कभी ये अवेलेबल होता है, कभी वो अवेलेबल होता है। कोई भी हो, जो मर्जी आंख बंद करके लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैट की क्वालिटी देख लो, ये काफी अच्छा लगता है इसके अंदर, जो उसमें लोगो सा बन के आता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप GFX लगाना चाहते हो, उसमें भी साइड में अलग से आता है लोगो। भैया ग्रैब हैंडल भी लगा दिया हमने, ठीक है। ग्रैब हैंडल भी हमारे पास कितने तरीके अवेलेबल है भैया, और वाइल्ड बोर भी है, प्रोमैन भी है, ठीक है। ये सारे अवेलेबल। प्रोमैन वाला जो लगता है वो अपना यहाँ से इस तरफ में कुछ लगता है, और ये वाला अपना साइड में लगता है। ये भी आप अभी हिलते वाला तो नहीं है, प्रॉपर है ना, कैसे भी पकड़ के चढ़ जाओ, जो कि थार में कभी महसूस होती थी, बट अब नहीं होगी। और इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था, उस टाइम पर हम छत बना रहे थे इसकी, तो पीछे वाली नहीं बनी थी, आगे वाली बन चुकी थी। अब प्रॉपर इसकी फिटिंग भी हो चुकी है, तो कुछ इस तरीके से फिट कर देते हैं इसको। काफी अच्छी चीज है वाली। और अभी बेस मॉडल तो भी आ नहीं रहा फॉर बैठो का। जितनी भी गाड़ियों में जैसे हम लोग सीट कवर लगाते हैं ना अलग, हाँ। कलर का भी हम हर गाड़ी में ना इसका आर्मरेस्ट चेंज करके देते हैं, सेम कलर का भी है। सेम कलर फिनिशिंग भी है, बहुत अच्छी। ये नहीं कि कहीं से कुछ बट आ रहा है या कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर फिटिंग के साथ देंगे, तीनों आर्मरेस्ट देख लो आप, ठीक है। तो अगर आप मतलब ये भैया इसका कॉस्ट अलग से होता है कपड़े का, खाली कपड़े का कॉस्ट लेते हैं, उसके अलावा नहीं लेते हैं। तो सीट कवर चेकआउट कर लो भाई, ये वही एक्स्ट्रा कम्फर्ट बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा थाई वाले सीट कवर है। इसमें आपको थाई इतना स्पेस एक्स्ट्रा मिलता है और पैरों को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। अभी भी लोग जो लगा रहे हैं ना, वो इतनी फॉर्मिंग नहीं करते हैं, जो मैंने अपने पास देखी है ना, कहीं से टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, है ना। यहाँ पर देख लो, ऊपर से नीचे तक कहीं भी मतलब बैठने में फील आएगा। गाड़ी में भी हमने ये बनाया है, गाड़ी इसमें भी वही बनाया हुआ है, उसमें चेक करा देंगे, सेम ही है सब में। उसका भी चेक कराऊंगा भाई, इसका भी कराऊंगा। तो मतलब वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं चीज अच्छी लेके आता हूँ, तो इसलिए आपके लिए वीडियो भी हमारी थोड़ी लंबी होती है ना। हम ऐसा नहीं है कि एक लाइट दिखा दी और वीडियो खत्म कर दी, ऐसा नहीं करते। या फिर शॉप के किसी को भी गाड़ी में काम कराने, तभी तो हम दिखा रहे हैं ना सब कुछ। सही बात है, वही चीज दिखाना, बिल्कुल बिल्कुल। और ये देख लो भाई, आर्मरेस्ट प्रॉपर भी हमने तैयार कर दिया, कहीं से भी इसके अंदर भी आपको कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। पीछे वाले आर्मरेस्ट की बात करो तो भाई, वो भी चेकआउट कर लो आप, यहाँ पर भी आपको कोई ऐसा सीन नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल क्लियर है। और भी इसके जो बोतल होल्डर है, ये आपने पियानो करवाए हैं या रहते हैं? नहीं, आते हैं, आते हैं पियानो, पियानो ही आता है, ठीक है। तो आपको पियानो में अगर चाहिए तो पियानो मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हो, मैट भी अवेलेबल होता है। अच्छा, मैट में भी अवेलेबल है। और बाकी आप चाहते हो किसी और कलर में तो बता दो, वो आपकी रिक्वेस्ट पे हो जाएगा ना, डिप हो जाएगा। और क्या भी इसके अंदर, ये स्टेयरिंग कवर हो गया अपना, ठीक है। और एसी वेंट इसके अंदर लगे नहीं है? इसमें एसी वेंट नहीं लगा, ठीक है। इस वाली गाड़ी में हुआ भैया, मेन हाफ जो इंटीरियर वाला काम था उसमें, ठीक है। और इस वाली में क्या हुआ भैया, वो भी अच्छी लग रही है। इस वाली भैया सीट कवर, मतलब उसमें अंदर का काम कराया उन्होंने, बाहर हेडलाइट वगैरह में एलईडी लगवाई, एलईडी लगवा लिया। चलो कोई नहीं, वो भी चेकआउट करा, लेकिन उन्होंने यूनिक लगाया, अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है ना, वो बिल्कुल प्रीमियम वाला फील आ रहा है। बट उसको थोड़ा सा बचा के चलाना पड़ेगा, धूल मिट्टी या शीशे वीशे बंद करके। ये रफ एंड टफ होता है अपना, और वो वाला भी कॉफी वाला भी ना, तो ये रफ एंड टफ है, जैसे मर्जी चलाओ, कपड़ा मारो साफ। करते करते ना सारे, मतलब किसी को कॉफी पसंद आता है, किसी को टैन पसंद आता है, सही बात है, क्रीम वाला कलर पसंद आता है, और किसी को लाल पसंद आता है, किसी का लाल का लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सबका अलग हुआ पसंद है, अपनी पसंद है, खर्च करने वो उसकी मर्जी है। भैया को देखो याली शर्ट ही पसंद है, इसीलिए तो हमारा कलर देखो, ये तो मैंने भी लाल पहन रखा है, सबका अलग अलग सीन है। तो भाई ये कुछ है, और पीछे भैया टेल लाइट वगैरह कुछ चेंज करी हमने इसमें, ये लगाया हमने 4x4 वाला, अच्छा टेल लाइट कवर भी लगा लेते हो तो गाड़ी का थोड़ा बहुत तो कुछ ना कहीं से मतलब टेल लाइट का लुक आ ही जाता है। बाकी ये 4x4 लगाने के बाद गाड़ी काफी अच्छी लगती है ना, ये बढ़िया लग रही है। बाकी एक भी वो खड़ी थी उधर, जो वो तो चली गई, उसमें क्या क्या हुआ था, जिसमें अलॉय लग रहे थे शुरू में दिखाई थी हमने, भैया हेडलाइट टेलर वो तो हमने दिखाई दिया था ना, ठीक है। टेलर अंदर काम नहीं था, अंदर काम नहीं था, हेडलाइट टेलर मतलब छोटा एक दो आइटम थे जो लगा दिया आपने। बाकी अब ये वाली गाड़ी दिखाते हैं, ये कंप्लीट हो गई, ये हो रही है, हो रही है, आधा काम हो रखा है, ठीक है। तो एक बार ना ये भी देख लो, इसके ऊपर कैरियर लग रहा है, भैया कौन सी कंपनी का कैरियर लगा रहे हैं इसके ऊपर, ओवरलैंड है, ठीक है। तो ये बढ़िया चीज है भाई, एक बार ये तो रेडी हो चुकी है, इसको टाटा बाय बाय करते हैं। और ये वाली गाड़ी जो है ना, ये भी कंप्लीट हो रही है, दोनों गाड़ी को मैं दिखाता हूँ एक बार करके। जब तक वो गाड़ियाँ रेडी हो रही हैं, एक बार इस गाड़ी के ओनर से मिलाता हूँ। कैसे हो सर? बढ़िया जी, बढ़िया। एक बार सर अपना नाम शेयर कर दो, और कहाँ से आए थे आप? आकाश जैन, गाजियाबाद।
कैसा रहा सर एक्सपीरियंस आपका? मैं तो आपकी वीडियो देख के आया था हमेशा, मैं तो सारी वीडियो देख डाली आपकी। ठीक है, कैसा रहा? नहीं बढ़िया रहा हमेशा, मतलब वीडियो की जर्नी से लेकर सीधा शॉप पे आ गया। जैसे आप वीडियो में दिखाते थे ना जी, बिल्कुल वैसे ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। और जो मैं प्राइसिंग वगैरह लेके आता रहा आप लोगों के लिए, परफेक्ट है प्राइसिंग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा प्राइसिंग है वैसा सेम सेम भैया बोलने के बाद थोड़ा बहुत डिस्काउंट, तो वो एक अच्छी चीज है भैया। जो मैं प्राइसिंग दिखाता हूँ वो एक अच्छी चीज है या ना दिखाऊँ? आगे चीज है वो, बढ़िया दिखानी चाहिए आपको। ठीक है, फेद बढ़ता है उसमें कस्टमर, कस्टमर पता ज्यादा घर बैठे बैठे की, मतलब ऐसा कुछ है। मैं भी वही चीज देख के तो आऊँ यार। ये बात भी आपने बिल्कुल सही बोली, तो मतलब जो चीज हम कर रहे हैं वो हम कुछ यूनिक लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब भैया कह रहे हैं कि बढ़िया चीज है, तो बढ़िया चीज है वो, अच्छा वैसा होना चाहिए। ठीक है, ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के प्राइसिंग एंड ऑल और क्वालिटी सब कुछ, क्वालिटी बहुत बढ़िया। देखो ना आप सीढ़ियां कितने बढ़िया लग रहे हैं, A1 लग रहे हैं, A1। बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना भाई आप लोगों को जो ये वाले टैन कलर में कैसे लग रहे हैं। बाकी एक बार उस गाड़ी का भी दिखाऊंगा आपको, और ये गाड़ी रेडी हो जाए एक बार। जाते जाते इसकी लाइटों का रिस्पॉन्स और चेकआउट कर लो, गाड़ी जा रही है बट आपको फिर भी पता तो चल ही जाएगा। देखो ये देखो, हाई लो देख रहे हो, इतना रिस्पॉन्स है क्योंकि मैं दिखाना भूल गया था और भैया चल दिया थे, मैंने सोचा चलता हुआ दिखा दूँ आपको। वेट करो बस इन दो गाड़ियों का, जस्ट अगले ही सेकंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये आपके लिए तीसरी वाली गाड़ी, और इसके अंदर जो सेटअप है वो कैसा है भैया? भैया इस गाड़ी में जो है ना, हमने हेडलाइट वगैरह चेंज नहीं करी है, इसमें मेन था इनको थ्रो चाहिए थी ज्यादा भैया को ना। ओके, तो इसमें हमने 140 वाट की एलईडी नीचे लगाई है, 140 वाट की हेडलाइट में भी लगाई है। 140 वाट और 140 वाट दोनों डाल दिए, और रिस्पॉन्स देख लो, फॉग लाइट का ही रिस्पॉन्स सिर्फ इतना है। ठीक है, अभी तो हेडलाइट ऑन ही नहीं हुई है, जब हेडलाइट ऑन होगी तो ये देख लो भाई, ये कुछ आपको हेडलाइट के साथ मिल जाएगा। पूरा रोड भी देख लोगे ना, कहीं से कहीं तक देख लो, इतना रिस्पॉन्स आपकी स्टॉक लाइट के अंदर भी आ जाता है अगर आप चाहो तो। लेकिन एलईडी जो है ना वो नाम की 140 नहीं होनी चाहिए, स्टॉक लाइट में जो रोशनी आती है वो ज्यादा आती है, ज्यादा आती है। आफ्टर मार्केट हेडलाइट की जो थ्रो होता है वो कम होता है, किंग कॉन्ग वाली भी इससे कम होगी। किंग कॉन्ग इससे तो भैया कोई सी भी हेडलाइट इससे कम होगी, कोई स्टाइल यू हो कोई भी ले लो, कोई सी भी इससे कम। तो ये बढ़िया चीज है वैसे लुक के लिए, लेकिन लोग जाते हैं ना, भैया मेन थार का ना लुक चाहिए होता है बंदे को ना, तो फिर वो हेडलाइट ही प्रेफर। ठीक है, और क्या हुआ अभी इसके अंदर? इस गाड़ी में मेन इंटीरियर का काम है, और ये कुछ है इसका इंटीरियर भाई, इसके अंदर भी वही है, एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, और गाड़ी में पीछे एक तो ऊपर मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे कपड़े लग रहा है, भाई ने पहले बता दिया था हमें कि साइडों में भी लगेगा। हाँ, साइडर भी लगा, और ये वाला कलर भैया अपना बहुत फेमस हो गया थार में ना, कोई करवाता नहीं था, ब्लैक तो हर कोई करवाता है। ठीक है, लेकिन ये कलर भी अब बहुत चलने लग गया, ये बहुत अच्छा है। इसमें जो अभी हम लोग आर्मरेस्ट का भी कलर सेम, कोई सी भी गाड़ी हो हम सेम आर्मरेस्ट कलर करके देते हैं, और वो भी एक ही दिन में ही देते। हर बार ना हम आपको एक नई चीज लेके आते हैं, तो ये आपके लिए एक नई चीज है कि जब आप इंटीरियर जब सीट कवर वगैरह चढ़वा रहे हो तो उसके साथ हम आपको ये भी करके देंगे। इसका जो भी कपड़े का चार्ज होगा सिर्फ आपने वो पे करना है, जो भी होता है जो भी रहेगा, बाकी आपकी बात कर। ये भी चीज भी अपनी बहुत फेमस है, थार वाली ना, थार लिखी हुई जो आता है ये देख रहे हो। एक भैया मैंने और सुना था कुछ और लिखवाया था किसी भाई ने, तो हाँ, एक राजपूत लिखा, राजपूत लिखा, वो दो गाड़ी में वो भी हो गया, मतलब एक भैया आए थे कल भी, उनको वो पसंद आ रहा था, उन्होंने वो लिखवाया, वो लिखवाया राजपूत, थार की जगह आपने राजपूत लिख दिया भाई, कितनी अच्छी बात है। मतलब देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक हम लोग कर देते हैं, बट मैं यहाँ पे था नहीं तो हम जरूर दिखाते हैं उस राजपूत वाले को। आप तो थे ही नहीं, पीते 8-10 दिन में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ तैयार करी हमने, हमने कहा डाली। चलो कोई नहीं, अब आने वाले टाइम में हम जरूर आपको दिखाएंगे कुछ ना कुछ नई चीज है। तो राजपूत वाला नहीं दिखा पाया, बट ये थार देख लो, अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है जिस तरह की हम लोग पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो है ना भैया, जैसे हम लोग वैसे नहीं लगाते, जो रेडीमेड वाला जो होता है वो कपड़ा नहीं लगाते हम लोग, सेम हम चाहते हैं कि जो गाड़ी जो भी तैयार हो ढंग से तैयार हो, बढ़िया तैयार हो। जो हम लोग सीट कवर मटेरियल लगाते हैं सेम लगा के वो तैयार करते हैं, वैसे करने हम लोग ब्लैक भी लगा, हम कस्टमर को बोलो कहेंगे ठीक है ब्लैक कर दो, ब्लैक कर, लेकिन भी हम चाहते हैं गाड़ी थोड़ी बढ़िया लगे देखने में ना। तो अभी डुअल टोन में लग रही है पूरी गाड़ी ना, एक कलर अगर देखोगे यहाँ से करते हैं ना, ये नहीं दिखाएगा, ये कलर नहीं दिखाएगा, ये हमारे नहीं, ये रफ नहीं दिखाएगा, करते हैं तो बहुत से लोग हैं ब्लैक कर देंगे, रेड स्टिच कर देंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हम जो प्रेफर करते हैं वो ये करते हैं कि गाड़ी के इंटीरियर के हिसाब से ही अपनी गाड़ी अच्छी लगनी चाहिए। सही बात है, तो हमें जो मतलब है ना वो गाड़ी के इंटीरियर से भी मतलब है, हमें ऐसा नहीं है कि पैसे से ही मतलब है। नहीं, पैसे तो भैया किसी में भी कमाई लेगा ना, मतलब पैसे तो बात की बात है। नहीं, एक होता है ना भैया कमाई से मतलब होता है, चाहे उसे बस लाओ और भगा दो, ऐसा वाला सीन होता है। भगवान के द्वारा काम अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं, कमाई वमाई बात की बात है, पहले गाड़ी बढ़िया तैयार होनी चाहिए। और माही कार पे तो आने के बाद आपको जो इतने सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं ना, वो इनकी सोच ही है कि ये कुछ सोचते अलग तरीके से है कि अगर कस्टमर को दे रहे हैं तो कंफर्ट कुछ अलग लेवल का देंगे। बाकी बात करते हैं, तैयार होनी चाहिए तो मजा आता है। सही बात है, अच्छा लगता है। सही बात है, बाकी बंदा देख के तारीफ करे तो वो तो फिर अलग ही मजा, बहुत अलग बात है, वो तो रिव्यू ले लेंगे तो एक बार पता चल जाएगा। बाकी वाली देखो भाई, पीछे वाले जो आर्मरेस्ट है ये भी चेंज कर दिए, साथ में जो कपड़ा लगाया वो भी सेम इसी जो आपका पैटर्न है ना, सेम पैटर्न में आपको पीछे साइड में भी लगा दे, तो अच्छा लग रहा है काफी। मतलब जो पीछे बंदा बैठेगा ना उसको भी बैठ के फील आएगा, अलग लुक आता है भैया, रॉयल लुक आता थोड़ा। ठीक है, तो ये कुछ गाड़ी थी। बाकी अपना स्टेयरिंग जो है वो भी सेम रैप कर दिया विद स्टिचिंग के साथ में, तो इसको भी पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मोटा वगैरह ऐसे नहीं लगता ना कि अलग से कुछ है।
ये बढ़िया चीज होती है। तो ये कुछ गाड़ी थी, ये भी वैसे सिंपल ही है अंदर से ना, लाइटिंग सेटअप वगैरह सब कुछ नहीं है, बट ये जो इंटीरियर तैयार हुआ है काफी अच्छा लग रहा है। पीछे टेल लाइट वगैरह सब नॉर्मल ही है इसमें, तो बाकी इंटीरियर के तौर पे आप लोग इसको ले सकते हो एक बार को, ताकि आप अपनी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा कुछ करा लो ना। तो ये डुअल टोन में ब्लैक और ये वाला कलर हो गया स्किन कलर, गाड़ी अपनी कुछ ऐसी इंटीरियर के साथ रेडी हो गई है। और भाई फाइनली रेडी हो चुकी है अपनी लास्ट वाली गाड़ी, और जो बोलते हैं ना हम लास्ट में सबसे धमाकेदार वीडियो ही देते हैं आपको, लास्ट में जो गाड़ी है इसमें धमाका किस बात का है भी देख लो भाई। फ्रंट में हमने हेडलाइट भी है, कौन सी है, रैंगलर वाली हेडलाइट लगा दी है, और नीचे हमने इसके अंदर लगाए हैं Q8 Pro वाले अपने प्रोजेक्टर। इस प्रोजेक्टर की बात करें तो भाई देखो देखने में तो अच्छे लगते ही लगते हैं। इसके भैया क्या क्या ऑप्शन होते हैं इसके अंदर भैया? इसमें डिपर भी होता है, लेजर भी होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो इसकी ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा तेज है। अगर आपने हेडलाइट में लगा लिया रैंगलर जैसी हेडलाइट, जो कि भाई दिखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, उसके साथ आपने ये प्रोजेक्टर लगा दिया तो लाइट की कमी कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली, कमी रहेगी। बहुत पावरफुल होती है। DRL अपने वही नॉर्मल है काफी, मतलब भैया सब गाड़ियों में DRL नहीं लगे किसी में भी, कभी सब में लग जाता है। हाँ, तो भाई फ्रंट में एक अपनी ग्रिल है रैंगलर वाली, वो इसके अंदर लगी है। ग्रिल भी अपनी वो वाइल्ड वाली जो आती है ना, जो भैया बताते हैं वाइल्ड जैसी, ये देखो ठीक है वही लगी है इसके अंदर भी। और अब इसका थ्रो भी चेकआउट कर लो, ये देखो भाई ये सिर्फ इसका फॉग लाइट का थ्रो है जो कि काफी दूर तक जाता है, सिर्फ लो भी में। और भैया हेडलाइट ऑन करना एक बार, ये हेडलाइट ऑन हो गई, और ये देखो कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। सामने पेड़ है, लेकिन अगर रोड होता तो बिल्कुल रोड आर पार का हो जाता, जब ये गाड़ी जाएगी एक बार आपको दिखा दूंगा। और इसके ऊपर हमने इंस्टॉल कर दिया ओवरलैंड का कैरियर, जो कि भाई काम आता है अपने सामान वान रखने के लिए, और लुक भी एनहांस करता है। अच्छा एक बार ये भी चला के दिखा दूंगा, 1 ईयर वारंटी है, क्रिस्टल आएगी ना। बाकी सब जो डाल रहे हैं वो भाई क्रिस्टल आएगी नहीं है, अदर कंपनी है, लेकिन उनकी वारंटी वगैरह देख रहे, लेकिन हम लोग आपको वारंटी भी दे रहे हैं। तीन इसमें वही है अपनी, येलो बोल लो ऑरेंज बोल लो, वो भी हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट वाली होती है, तुरंत आओ तुरंत चेंज करावा ना। बाई चांस अगर कोई भाई बाहर का भी है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुरियर से भेज दोगे, यहाँ से आपको चेंज होकर मिल जाएगी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और यही वो गाड़ी है जिसके अंदर हमने हाफ इंटीरियर किया है, तो भाई ये चीज चेकआउट कर लो। सभी गाड़ियों में हमने आपको सीट कवर भी चेकआउट कराया है, तो हर गाड़ी में सीट कवर जो है ना सेम क्वालिटी लगी है, और सेम गाड़ियों में भी सेम कपड़े में सीट कवर लगा है, ठीक है, तीनों गाड़ियों में भी सीट कवर कलर में फर्क था, बाकी कपड़ा सेम था, बाकी कपड़ा सेम था। और अगर बात करूँ फिनिशिंग की तो फिनिशिंग भी बिल्कुल सेम है। चल बात करते हैं इसके गेट की, तो ये यहाँ पे क्या काम किया हमने भैया? इसमें देखो एक तो हमने लगाई है ये वाली K4 वाली हमेशा फेमस जो है, जो सबसे ज्यादा लगती है, ठीक है, K4 वाली भी एम्बियंस लाइट लगाई है, ठीक है, हाइड्रो डिप किया भी है, ये वाला पीस ये सारा, ठीक है, 23-24 पार्ट होते हैं अंदर के, वो सारे पार्ट, मतलब सारे पार्ट कर दिए हमने, सारे पियानो ब्लैक भाई। ये कुछ इंटीरियर इसका निकल के आ रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमने पेंट कर दिया, और सेम कलर का हमने डैशबोर्ड के दोनों पीस, और ये ठीक है, ये हाफ इंटीरियर जो हम करके देते हैं, ठीक है। पिलर पे क्या है? पिलर पे भी लेदर लगा है, लेदर लगा हुआ है भाई। गेट तो आपका ये तैयार है ही, इसके बाद बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग पे सेम आपको जो हर गाड़ी के अंदर जो हमने स्टेयरिंग कवर सिलाया ना, सेम वही है, बस कलर अलग है। बाकी बात करते हैं डैशबोर्ड की, तो कुछ ये डैशबोर्ड हो गया। इस गाड़ी के अंदर भी अपना AC वेंट नहीं लगा है, नॉर्मल है। और बाकी देख लो भाई यहाँ का भी चेकआउट कर लो। पिलर की बात करें तो यहाँ पर भी लेदर ही है, ठीक है, कहीं कहीं पे एसी वेंट में ना अभी देखो गर्मियों में दिक्कत आती है थोड़ी, इस वजह से हम लोग ज्यादा ना मतलब बोल देते हैं कस्टमर की भैया दिक्कत आएगी, तो इसलिए कई बंदे लगाते कई बंदे नहीं लगाते, बीस का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं आता, ठीक है, लेकिन दिक्कत आती है, ठीक है। तो भाई ये चीज हम आपको बार बार गाइड कर देते हैं, कभी ऐसा ना हो कि फिर से, क्योंकि जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं ना वो ये नहीं बोल पाएंगे दोबारा कि हमें नहीं बताया गया था, गाइड नहीं किया था, जबकि हम शुरू से गाइड कर रहे हैं, बट कोई नहीं, हम फिर भी मान लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं भाई, ये देखो सेंटर वाला जो पैनल है इसका पूरा पियानो ब्लैक कर दिया, इसके म्यूजिक प्लेयर से लेके AC वेंट से लेके नीचे इसके बटन वाला जो ऑप्शन है, ये वाला अपना पावर विंडो वाला, ये तो पहले से आती है, और ये गियर नोब बना दिया भैया। गियर नोब का क्या राज रहता है, कितना टाइम लगता है इसमें भैया? टाइम तो उतना ही लगता है, मतलब जब सेम काम होता है उसी टाइम हो जाता है। गियर बोर्ड किसी में, जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी में नहीं हो पाता ये चेंज, किसी में हो जाता है किसी में नहीं होता। अच्छा, तो ऐसा कुछ है। बाकी इसके अंदर अभी हमने जिसकी गियर नॉब खुल गई बेसिकली बढ़िया आराम से, तो हाँ, उसमें तो हम चेंज कर देंगे ना। उसके बाद बात करते हैं नीचे GFX मैट है, इसमें GFX का मैट है भैया, और इसमें जो अनमेस्ट लगे हुआ महिंद्रा ओरिजिनल लगा हुआ भैया। अच्छा, ये वाला भी और पीछे वाला भी। अच्छा, तो ये अपने पास से लगा, ये इन्होंने कंपनी लगवाया, हमारे पास अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है, आपकी मर्जी है। ये ग्लास वाले होल्डर ढक देता है लेकिन, है ना, ये वाला आगे वाले में दिक्कत है, पीछे वाला अच्छा है, पीछे वाला अच्छा है ना। तो अगर आप चाहो तो पीछे वाले खरीद लो, चाहे कंपनी से ले लो, चाहे जैसे मर्जी आप बता देना, बाकी अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है। हमने पहले लगाया भी था, दिखा भी रखा हमने पहले ना, पहले हमने जब लगाया था उसको दिखा भी रखा। और इसकी जो क्वालिटी की बात करें तो छोटा सा रहता है, ठीक है, आगे पीछे एडजस्ट कर लो, और यहाँ से कुछ इसका बटन वगैरह भी होता है, ये खुल गया अपना,
ठीक है। उसके बाद ये आपका कहीं जाता इसलिए नहीं है क्योंकि ये कहीं से कसा हुआ नहीं है ना भैया, कहीं भी ओरिजिनल है ना तो उसकी फिटिंग तो एक्यूरेट आएगी। ये सिर्फ जो ग्लास होल्डर होते हैं ना बिल्कुल उसी की तरह होता है और ग्लास होल्डर में ही चला जाता है। तो कुछ यहाँ पर आपको ग्लास होल्डर खत्म हो गया लेकिन आपका आर्मरेस्ट आ गया, बाकी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, उस साइड भी। और सीट की बात करें तो भाई देख लो, सीट कवर भी चेकआउट कर लो ऊपर से नीचे तक सारा, कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा भैया हमारे किसी भी सीट में रिंकल विंकल नहीं मिलेगा भैया, फिटिंग प्रॉपर होगी और अच्छा है, मतलब वारंटी भी देते हैं भैया, कुछ भी दिक्कत आएगी हैंड टू हैंड रिप्लेस करके देते हैं। और यहाँ पर देखो ये अपना है थाई सपोर्ट, ठीक है, हमेशा की तरह थाई सपोर्ट जैसे हम देते हैं ना, तो वो क्वालिटी होती है। और यहाँ पे चेकआउट करो आप, क्वालिटी आपको जब बोली जाएगी वो मिलेगी भी। इवन इसके अंदर हमने जो इमेंट लाइट लगा दी है पीछे भी लगा दिया ना भैया, और पीछे हमने कपड़ा भी लगा दिया यहाँ पे, पीछे वाले जो उसके आर्मरेस्ट हैं वो महिंद्रा जनवन ये अच्छे हैं पीछे वाले। और सभी के अंदर भैया ने बताया था ये हम करके दे देते हैं आपको, तो ये हमने आर्मरेस्ट इसके भी कपड़ा चेंज कर दिया, बोला था ना जो जैसे हमने दूसरी वाली गाड़ी में भी करा था भैया, किसी भी गाड़ी में जो कॉम्बिनेशन बढ़िया से बढ़िया बनेगा जैसे आर्मरेस्ट का ये कवर चेंज करना या कुछ भी, वो हम लोग प्रॉपर करके देते हैं, ठीक है। बाकी आप चेकआउट कर लो भाई, इसके जो हैंडल है ये भी अपना पियानो ब्लैक है, ठीक है, वो भी, और ऊपर वाले जो स्पीकर वाले पार्ट हैं ये भी अपने पियानो ब्लैक कर दिए। तो इंटीरियर काफी अच्छा, दिन में ये गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी है ना, रात का टाइम है हम लोग इतना नहीं जस्टिस कर पा रहे, लेकिन जो लोग समझ रहे होंगे ना कैसा होगा वो कुछ इस तरह मिल जाएगा। और यहाँ पे लाइनिंग अभी आपको दिख रही होगी जो कि हट जाएगी, ये वो चीज है जब हम इसे बनाते हैं ना, हाँ डाई वाला जो निशान है वो है, तो ये चौक टाइप है, इसको आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये देखो आगे से पीछे तक इसके अंदर आपको रूफ भी हो गई आपकी, और कुछ बचा भी है इस गाड़ी के अंदर, ओवरलैंड वाला कैरियर लगा, ठीक है, ये तो मैंने बताई दिया था ओवरलैंड वाला केरे लगा, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इस पर भी कपड़ा चढ़ा दिया, ठीक है, तो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी। हाफ इंटीरियर भी हमारा बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है ना, तो ये चीज बढ़िया। बाकी एमएंड लाइट तो अपनी है ही K4 वाली, जिसके अंदर आपको डैशबोर्ड के दोनों पार्ट, दोनों गेटों के, और पीछे वाली साइड में वो स्ट्रिप जो लगी हुई है जो कि शुरू भी भैया ने करी थी, दिमाग लगा के कहीं ना कहीं उसको अटैच किया, और काफी अच्छी लगी, रेगुलर लगाते और अच्छा चलता है, अच्छा चलता है ना, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। पीछे जो लंबी वाली स्ट्रिप है ना बहुत ज्यादा फील देती है पीछे वाले बंदे को, हालांकि गाड़ी में कम्फर्ट लेवल थोड़ा सा कम है पीछे, बट फिर भी लेकिन इसके लिए ना काफी अच्छी लगती है। एंड में भाई आपको बोलना चाहूंगा इसके अंदर टेल लाइट वगैरह चेंज नहीं है, बट ये एक तो ये वाला पार्ट स्मोकी है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आप थोड़ा बहुत भी करा लोगे ना आपकी लाइट थोड़ी सी अच्छी लगती है, जैसे ये वाली भी अच्छी लग रही है। और नीचे रिफ्लेक्टर चेंज है, और गाड़ी का नंबर जो है वो 1008 है ना भाई, 1008 MP का नंबर है। और लास्ट में बात करते हैं भाई इस गाड़ी के ओनर से, जो कि हम आपको रिव्यू जरूर देते हैं बिकॉज ऑफ कि जो कस्टमर है ना वो अपने दिल से बताता है भैया मेरी गाड़ी के अंदर काम कैसा हुआ, मैंने खर्चा करा है, तो वो कैसा है। एक बार मिलते हैं सर से, कैसे हो सर? बढ़िया भैया। एक बार भी अपना नाम शेयर कर दो और कहाँ से आए? कहाँ से? मैं सिंगरौली से आया हूँ, मध्य प्रदेश से, MP से जी। कैसा रहा सर वहाँ से यहाँ का सफर, कैसे पता चला शॉप के बारे में? आपकी वीडियो देख कर आया था भैया, ठीक है, तो अब फील कैसा लग रहा है गाड़ी का? फील तो बहुत अच्छा है, बैठने पे पूरा समझ में आ रहा है कि काम हुआ है गाड़ी में, लग रहा है मतलब पैसा लग रहा है कि लगाया है, तो मजा मिल रहा है, मजा आ रहा है ना। पहले जब कंपनी से निकाल के लाए थे तो कुछ कमी महसूस हो रही थी, पहले तो एकदम बेसिक था गाड़ी, ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। और लाइट के थ्रू की अगर बात करूं, मैंने कराया हाफ इंटीरियर, कराया काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब आपने ओरिजिनलिटी भी छोड़ दी है, हाफ इंटीरियर इसलिए कराया, और जो आपने कलर चूज करा है वो भी ब्लैक के साथ काफी मैच हो रहा है ना, डुअल टोन एक तरीके से पूरी गाड़ी आपकी हो गई अंदर से। और भैया ने बाहर ओवरलैंड लगा के तो गाड़ी का जो बल्कि लुक है ना वो आ गया है। और लाइटों की बात करें तो भैया कैसी लग रही है लाइट? अभी तो बढ़िया लग रही है, बाकी चला के देखते हैं, रिव्यू देंगे इसका, ठीक है, बिल्कुल देना, कमेंट मार देना, कोई जैसी वीडियो दिखे ना तुरंत कमेंट मार देना उधर की, हाँ जी बढ़िया चल रहा है सब कुछ, है ना। और बात करते हैं कि आगे आप सजेस्ट करते हो जो भी हमारे थार वाले भाई हैं, जो भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको बोलूंगा भाई यहां पे काम कराओ, बढ़िया ना, बिल्कुल, चलो भाई। तो सारी चीजें ये रहती है हमारे कस्टमर्स की, तो हम करके देते हैं ना तो फुल्ली सेटिस्फाई करके देते हैं, बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों के अंदर, तो हम टाइम की कमी बिल्कुल भी नहीं वो करते कि भाई टाइम मत दो, हम कहते हैं टाइम दो ताकि हम काम आपका बढ़िया करके दें। बाकी आप लोगों को जिस तरीके अगर थार रेडी करवानी है तो आप लोग आ सकते हो भाई माही कार एसेसरीज पर, जो कि करोल बाग में दिल्ली में शॉप है नाईवाला के अंदर, बाकी एड्रेस आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर भी आपके सामने है, साइड में भी नंबर आ रहा होगा, जो कि भाई आर पार लेवल की थार तैयार करते हैं। चाहे आप जैसी मर्जी थार तैयार करवा लो, आउटर से लेकर इंटीरियर तक सारी चीज़ें, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी करवाना है आपने वो चीज़ आप करवा लो, एक एंड लेवल जिसे बोलते हैं वो चीज़ हम आपको करके दे देते हैं, और विद प्राइस के मतलब अच्छे प्राइस में और एक वारंटी के साथ, यानी कि आपको विश्वास रहेगा कि जो भी चीज़ आप इंस्टॉल करवा रहे हो अपनी गाड़ी के अंदर आपकी चीज़ें वारंटी में, और आपकी गाड़ी भी वारंटी में रहती है, उसमें आपकी गाड़ी में कोई भी चीज़ नहीं है जो कपलर टू कपलर ना हो, सारी चीज़ें हम लगाते हैं कपलर टू कपलर होती है। महिंद्रा की कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है अभी तक जिसमें हमें कोई भी इशूज़ फेस करने पड़े हों। बाकी गाड़ी अब जा रही है हमारी वापस से MP, टाटा बाय बाय करते हैं उसको, मिलते हैं फिर किसी एक नई थार के साथ, टिल देन पीस आउट। एक बार जाते हुए जो सिर्फ इसकी फॉग लाइट चल रही है गाड़ी पे, आगे देख लो आर पार का रिस्पॉन्स है, कहीं से कहीं तक भी देख लो आपको कमी नहीं मिलेगी, देखो
कहीं से कहीं तक देख लो। और अगर हेडलाइट ऑन कर दें तो उसकी भैया वो भी ऑन हो जाती है ना, हाई बीम भी ऑन हो जाती है ना, आर पार हो जाती है भाई। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं मनीष भैया के पास।